हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट किया है कि डैमेज्ड हेयर रिपेयर करने का साथ ही साथ बालों को लंबाई बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त तेल। तो इसीलिए आज आपके साथ बालों को रिपेयर करके साथ ही बालों को लंबाई बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त हेयर ऑयल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सोच लो, देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, ताकि साइड पे एक घंटी रहते हैं और घंटी को दबाने से मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाती है और घंटी दबाने से। सोच लो, देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। तो ये है डाबर आमला ऑलमंड हेयर ऑयल। आपको मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, डाबर मीन्स एक ट्रस्टफुल हर्बल ब्रांड है। इसमें कम्प्लीटली आयुर्वेदिक और हेल्बर प्रोडक्ट्स ही रहता है और कुछ इस डाबर प्रोडक्ट कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होती है बोल के पहले वीडियोस में मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। अभी आज आपको डाबर ऑलमंड हेयर ऑयल बता रही हूँ। इस ऑलमंड हेयर ऑयल बादम की तेल अपना बालों को हेल्दी स्ट्रांग बना देती है, साथ ही अपना बालों को लंबाई ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि बालों को आलमंड ऑयल बादम के तेल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स रहता है। बालों को प्रोटीन्स ज़्यादा ज़रूरत होती है और बालों को नॉरिश मॉइस्चराइजर भी करती है इस बादम की तेल। क्योंकि बादम की तेल में काफ़ी सारे प्रोटीन्स वाइटामिन्स मिनरल्स रहते हैं, अपना बालों को डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करती है और इसके साथ ही साथ बालों को हेल्दी स्ट्रांग बना देती है। अगर आप हेयरफॉल का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस डाबर आमला हेयर ऑयल यूज़ करने से अपना हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम्प्लीटली बंद होती है। बाल जड़ना टूटना कम होकर साथ ही बालों को एक नया ग्रोथ लेके आती है इस डाबर आमला ऑलमंड हेयर ऑयल। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ इस डाबर आमला ऑलमंड हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल डैमेज्ड हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस ऑयल डैमेज्ड हेयर को ज़्यादा रिपेयर करती है और साथ ही हेयर फॉल ज़्यादा हेयर फॉल और डैंड्रफ भी होती है तो वो डैंड्रफ को भी रिमूव करके ऑलमंड हेयर ऑयल साथ ही बालों को क्लीन फ्रेश और हेल्दी ग्रोथ लेके आती है अपना बालों को। तो इसीलिए आज आपको इस मैं डाबर आमला हेयर ऑयल रिव्यू बता रही हूँ। ये हेयर ऑयल को कैसा अप्लाई करना मैं बताऊँगी। इस हेयर ऑयल को आप सुबह या रात कभी कभी आपको फ्री टाइम मिले जब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। अप्लाई करके अगर आप इसको डे टाइम में अप्लाई करना चाहते तो इसको अप्लाई करके दो घंटे के बाद, कम से कम एक से दो घंटे के बाद ऐसे बालों को ये तेल रख के दो घंटे के बाद आप किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कर सकती हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ किसी भी हेयरबल शैम्पू, मतलब लाइक हिमालया भी है हर्बल प्रोडक्ट, तो हिमालया शैम्पू किसी भी हेयरबल शैम्पू से आप हेयर को वॉश करने से, बालों को धोने से अपना बाल जल्दी से जल्दी बढ़ा सकती हो। ऐसा आप कंटिन्यूसली हफ्ते में दो से तीन बार मिनिमम आप इस हेयर ऑयल को अप्लाई करने से बाल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होती है और साथ ही डैमेज्ड हेयर जो होती है और बालों को डैमेज्ड हेयर होते हैं तो डैमेज्ड हेयर को भी ये रिपेयर करते हैं डाबर आमला हेयर ऑयल। और इसको नाइट टाइम अप्लाई करना चाहते तो नाइट टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि नाइट टाइम हम बॉडी रेस्ट में रहते हैं तो अभी ये रात को सोने के पहले ये अप्लाई करने से ज़्यादा इफेक्टिव मिलते हैं। क्योंकि ये ऑयल आप डिनर के बाद रात को सोने के पहले ये ऑयल अपना स्कैल्प के ऊपर और पूरा बालों के ऊपर ये तेल को लगा के आप अच्छे से मसाज करना चाहिए। मसाज करके अपना बालों को ऐसे ही फोल्ड करके सो जाइए और सुबह आप किसी भी शैम्पू का पसंद की रेगुलर शैम्पू से बालों को वॉश कीजिए। ऐसा आप हफ्ते में दो से तीन दिन ऐसा एक महीने तक करने से जरूर अपना बालों को डिफरेंस देख सकते हो और बालों को एक नया लाइफ लेके आ सकते हो। साथ ही आप ही देख पाओगे आपका बाल कितना स्ट्रांग हेल्दी और डैमेज फ्री रहेगा, आप ही देख सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आज की मेरी इस सिंपल प्रोडक्ट रिव्यू। और ये पर्सनली रिव्यू के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पर्सनली आप लोग मुझे रिक्वेस्ट किया तो आपके रिक्वेस्ट के बिना मैं पर्सनली इस हेयर ऑयल आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का कुछ कॉमेंट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके आंसर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।